नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। इस बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया है कि कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली की स्थिति पर सरकार जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी करे। कैट का कहना है कि इस श्वेत पत्र से दिल्ली के लोगों को मालूम हो सकेगा कि कोरोना के मामलों में दिल्ली कहां खड़ी है। साथ ही कहा कि श्वेत पत्र में ये भी बताया जाए कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सरकार की आगे की क्या रणनीति है और क्या सरकार खुद कोरोना से निपटने में सक्षम है या सरकार जनता, व्यापारियों और रिहायशी कॉलोनी के संगठनों से किसी तरह की सहयोग चाहती है। अगर सरकार मदद चाहती है तो उसकी क्या योजना बनाई गई है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अहम मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बेशक दिल्ली में सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया हो, लेकिन ये कोरोना की स्पीड को महज कुछ कम करने के लिए काफ़ी हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के बाद क्या। इसके साथ ही खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि लॉकडाउन के बाद सरकार कैसे कोरोना को काबू कर पाएगी। सिर्फ दिल्ली सरकार के भरोसे ये विषय छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही खंडेलवाल ने कहा कि जमीन पर स्थिति ये है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर कम है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और कोविड टेस्टिंग आसानी से नहीं हो पा रही है। दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के मिलने के लिए दिल्ली सरकार ने जो लिस्ट जारी की थी उन जगहों पर ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, चाह करके भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाज और दवाई के मामले में अब पैसा भी फेल हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।